एआई मार्केटिंग का सीईओ ऑनलाइन देखा गया टेलीग्राम के ऊपर, तो ये कितना आपके लिए सही है, कितना आपके लिए बेनिफिट है और कितनी आपके लिए ये अच्छी न्यूज़ है। तो फ्रेंड, मैं हूँ मोहम्मद दानिश, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग MDM। आई होप आप सब ठीक से होंगे और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी। फ्रेंड, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं AI मार्केटिंग का जो CEO है वो यहाँ पर रिसेंटली उसको ऑनलाइन देखा गया है टेलीग्राम के ऊपर। कब उसको ऑनलाइन देखा गया, कितने टाइम पहले उसको ऑनलाइन देखा गया, ये हम आपको पूरा बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि AI मार्केटिंग का हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो फ्रेंड्स, ताकि हर एक अपडेट आपको आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है और व्हाट्सएप ग्रुप को नीचे लिंक दे रखी है, उसको ज्वाइन कर दो। तो फ्रेंड, यहां पर अगर हम बात करें AI मार्केटिंग का जो CEO है, जिसका नाम रिंकी योगन है, अगर हम उसकी बात करें, तो उसको यहां पर क्या था जो उसका टेलीग्राम का सीन था, लास्ट सीन वो यहां पर कुछ टाइम पहले जो वो दिखा रहा था, वो यहां पर दिखा रहा था 3 मंथ एगो, यानी उसका लास्ट सीन था। लेकिन अगर हम रिसेंटली बात करें तो उसको यहां पर जब ऑनलाइन देखा गया, तो उसको 1 वीक पहले जब हमने उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, जब हमने उसको मैसेज भी किया था कुछ टाइम पहले, तो तब जो उसका लास्ट सीन था वो था फ्रेंड यहां पर 3 मंथ एगो का। लेकिन अगर हम करंटली बात करें तो उसका जो लास्ट सीन देखा गया था वो देखा गया था यहां पर 1 वीक, मतलब 1 वीक एगो, मतलब 1 मंथ के 1 वीक में वो कहीं ऑनलाइन आया था और फिर से वो ऑफलाइन चले गया था। लेकिन तो क्या आपके लिए ये अच्छी बात है कि योगन ऑनलाइन आया था या बुरी बात? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात थी कि योगन ऑनलाइन आया था, लेकिन वो कब था? 1 वीक जब लास्ट मीटिंग पोस्टपोन हुई थी उस टाइम उसको वहां पर ऑनलाइन देखा गया था, जब हमारी यहां पर जो मीटिंग होने वाली थी लास्ट, यहां पर जब 6 तारीख को जो हमारी मीटिंग होने वाली थी वो यहां पर जब पोस्टपोन हो गई थी उस टाइम वो उसको ऑनलाइन देखा गया था। लेकिन तब भी वहां पर मीटिंग पोस्टपोन हुई, उस जो उसके ऑनलाइन आने से हमें कोई उतना फायदा नहीं मिला देखने, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि योगन को ऑनलाइन देखा गया है, उसका लास्ट सीन यहां पर चेंज हुआ था, पहले 3 मंथ पहले था लेकिन फिर से उसका चेंज हो गया था। लेकिन उससे हमें उतनी कोई राहत नहीं मिली जिसकी हमें उम्मीद थी कि AI मार्केटिंग यहां पर बैक आएगी, मीटिंग लेगी, लेकिन उसने मीटिंग यहां पर नहीं ली। और फिर से जो दूसरी बड़ी बात यहां पर यह है कि मीटिंग लेने के बाद वहां पर फिर से वही रीजन दिया गया जो यहां पर कुछ टाइम कंटिन्यू से दिया जा रहा है कि योगन स्टिल आउट ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि फ्रेंड देखिए, अगर जो योगन है वो आउट ऑफ स्टिल सर्विस है, ये मतलब वो आपकी मीटिंग नहीं ले पा रहा है, तो क्या AI मार्केटिंग को ये यहाँ पर बोल देना नहीं चाहिए? देखा भाई, देखिए योगन हमारा यहाँ पर है, वो मीटिंग नहीं ले पा रहा है, इसमें कोई प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि वो आखिरकार वो है कहाँ, वो क्यों नहीं रीज़न मतलब मीटिंग नहीं ले पा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि ठीक है वो नहीं ले पा रहा है, वो कहीं बाहर है, ऐसा कुछ काम कर रहा है। तो इतनी बड़ी कंपनी जहाँ पर इतनी लोगों की उम्मीदें हैं, तो लोग क्या चाहते हैं? पहले तो लोग ये चाहते हैं कि हमारा विड्रॉल आ जाए, लेकिन अभी लोगों की इतनी उम्मीदें टूट चुकी है, वो ये बोल रहे हैं चलो अभी विड्रॉल अगर अभी ना भी दे, लेकिन आखिरकार कोई मीटिंग तो ले लेते जिससे हमारी जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर बरकरार रहती, उसके बाद मीटिंग भी नहीं ले रहे और मीटिंग भी पोस्टपोन कर रहे, उसके पीछे रीजन जो दे रहे हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और अब लोगों को यहाँ पर ये कहना था कि अगर योगन मीटिंग नहीं ले पाता है तो AI मार्केटिंग को कोई रीजन देना चाहिए कि आखिरकार वो मीटिंग क्यों नहीं ले पा रहा है, यानी वो किस काम से बाहर है या क्यों नहीं ले पा रहा है, मतलब वो कुछ वहां पर कुछ मेंशन करते कि इस वजह से यहां पर योगन जो है वो बार बार मीटिंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं, वो यहां पर मतलब मीटिंग नहीं ले पा रहा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है AI मार्केटिंग की तरफ से, सेम एक ही जो उसका होता है वहां पर वो मतलब वो ड्राफ्ट वही वहां पर रिपीट होता है कंटिन्यूसली, और उसी ड्राफ्ट को वहां पर पेस्ट कर दिया जाता है और वहां पर मीटिंग की डेट चेंज होती है, इसके अलावा वहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और अभी रिसेंटली जो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर ये आया, प्रॉब्लम निकल कर आ रही है कि जो AI मार्केटिंग की मेल थी फ्रेंड्स ऑफिशियल साइट्स पर, वो वहां से हटा दी गई है। लेकिन अभी अगर हम बात करें यहां पर जो अभी कुछ लीडर है यहां पर, वो ये बोल रहे हैं जी यहां पर जी ये अपडेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर उनकी जो मेल है वो यहां से हट चुकी है। तो देखिए, मेल में कोई अपडेट नहीं होता, ये आपको पता है कि जो मेल होती है उस पर हर एक बंदा कॉन्टैक्ट करता है, तो मेल में कोई अपडेट नहीं होता है। मैं स्पेशली अगर बात करूँ, यहाँ पर एक लीडर है जिसका नाम ओल्गा करके एक लेडीज है, वो यहाँ पर ये बता रही है अपने ग्रुप में अपने लोगों को कि हमने उससे भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उसने वहां से ये रिप्लाई दिया कि देखिए पहले तो ये मेल काम कर रही थी, अभी क्यों नहीं कर रही मुझे पता नहीं, लेकिन बाद में उसने ये बोला कि देखिए हमें लग रहा है कि AI मार्केटिंग अपनी साइड के ऊपर काम कर रही है, इसलिए लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पर ये मेल जो हटा दी गई है। तो क्या ऐसा वो बोल सकती है? उसको बिल्कुल ऐसा बोला नहीं चाहिए कि देखिए वो यहाँ पर काम कर रही है, उसने बोला कि हमें लगता है काम कर रही है। क्या उसने किसी से बात की उस फिर जाके बोला? नहीं, उसने ये बोला कि हमें लगता है कि AI मार्केटिंग काम कर रही है, तब जाके उसने मेल हटा दी है। तो AI मार्केटिंग अगर अपनी साइड के ऊपर काम कर रही है तो उसको मेल हटाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मेल एक ऐसा नंबर होता है जहाँ पर आप घरे से कॉन्टैक्ट करते हो। मान लो आपका क्या है कि आप कोई काम कर रहे हो तो आपने आपको लोग कस्टमर फोन कर रहे हैं, तो आपने फोन स्विच ऑफ नहीं करना है, आपने अपना नंबर को बंद नहीं कर देना है, आपने उसका फोन उठा नहीं रहे हो वो अलग बात है, आप मेल का रिप्लाई नहीं दे रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आप अपने फोन को ही स्विच ऑफ कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है लोगों के लिए इस टाइम।
तो जितने भी लीडर इसमें बोल रहे हैं कि भाई देखिए आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं, देखिए चिंता लेने की जरूरत है क्योंकि लोगों का पैसा फंसा हुआ है, भले ही आप लोगों ने जो इसमें लीडर हैं उनने ऑलरेडी बहुत पैसे कमा लिए क्योंकि उनका नुकसान नहीं है, वो ऑलरेडी बेनिफिट में है क्योंकि हर लीडर जो भी कोई कंपनी स्टार्टिंग में आती है जो लोग उसमें शुरू में ज्वाइन होते हैं उनका बहुत बेनिफिट हो जाता है, लेकिन जो लोग यहाँ पर लेट ज्वाइन होते हैं उनको अगर फिर बाद में कंपनी स्कैम करती है तो जो यहाँ पर लेट ज्वाइन हुए होते हैं लोग उनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आप सब लोगों को यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जो लीडर हैं उनको यहाँ पर आपकी चिंता होनी चाहिए कि देखिए अगर हमारा पैसा फंसा हुआ है हमारे लोगों का तो हमने उनको बताना सच्चाई है और जो भी यहाँ पर चल रहा है वो किस रीजन से आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है जी, एआई मार्केटिंग काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है हम मारे के काम कर रही है, लेकिन क्या एआई मार्केटिंग ये बात नहीं बोल सकती कि हम काम कर रहे हैं। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि अगर एआई मार्केटिंग काम कर रही है उसको बोल में क्या दिक्कत है कि मैं काम कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। एआई मार्केटिंग की तरफ से हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई भी रीजन नहीं मिल रहा है। अगर मीटिंग पोस्टपोन कर रहे हैं, विड्रॉल नहीं दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जीरो सेल प्रॉब्लम, ये तो बहुत बड़ी अभी मसला है। लेकिन जो आप यहाँ पर लोग, हमारी एक ही डिमांड थी कि आखिरकार देखिए अगर आप विड्रॉल भी नहीं दे रहे हो, वो भी नहीं कर रहे हो, ये भी नहीं कर रहे हो, लेकिन एक मीटिंग तो बनती है यहाँ पर जिससे लोगों का विश्वास आया, लेकिन वो भी नहीं ले रहे हैं। तो उसके बाद फिर जो रीज़न दे रहे हैं वो भी नहीं दे रहे, और यहाँ पर फिर भी बहुत से लीडर बोल रहे हैं जी आपको घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, टाइम लग सकता है। भाई टाइम किस चीज़ को लगेगा ये बोल रहे हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर कोई काम चल रहा है तो वो एआई मार्केटिंग क्यों नहीं बता रही, या आप लोग ये बता सकते हो क्लियर कि देखिए ये काम चल रहा है, अगर आप बता सकते हो तो, लेकिन आप किस रीज़न से बता रहे हो, क्या आप किससे बात हुई, नहीं आप एक प्रेडिक्शन कर रहे हो। प्रेडिक्शन मैं भी कर सकता हूँ कि देखिए कल एआई मार्केटिंग विड्रॉल देगी, मेरी ये प्रेडिक्शन है, तो क्या ऐसा हुआ अभी तक, नहीं होगा। या मैं ये प्रेडिक्शन करता हूँ कि एआई मार्केटिंग कल सब कुछ अपना काम ठीक कर देगी, वो मीटिंग लेगी, लेकिन प्रेडिक्शन से कुछ नहीं होता फ्रेंड। जब तक हर चीज़ के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, आप लॉजिक के ऊपर बात नहीं करते, तब तक प्रेडिक्शन कुछ नहीं होती है, प्रेडिक्शन के ऊपर कुछ नहीं चलता है फ्रेंड, इस चीज़ को आप ध्यान में रखो। तो जितने भी लोग यहाँ पर जो लीडर यहाँ पर बता रहे हैं, अगर उन लोग किसी से कॉन्टैक्ट है, हमने तो युगन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, इतना मुझे लगता है नहीं किसी और ने किया होगा जितना हमने यहाँ पर कोशिश की, और हम आपको यहाँ पर रियल अपडेट देते हैं, जो भी है सच्चाई आपको बताते हैं, बाकी आपको वो सच्चाई पसंद है या नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा काम है आप तक सच्चाई पहुँचाना फ्रेंड्स। एआई मार्केटिंग जो चल रहा है वो आपको हम बता रहे हैं कंटिन्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि एआई मार्केटिंग का जो भी अपडेट आएगा आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स जितना सकता है वीडियो को शेयर करो, ताकि हर एक जितने भी एआई मार्केटिंग में लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, वो यहाँ पर देखें एआई मार्केटिंग के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। तो फ्रेंड थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह।